चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार तारीख 2 अप्रैल को हमारा चांद्र नया वर्ष का आरंभ हो रहा है। वास्तव में यह दिन नया वर्ष का जो है इसी रोज सृष्टि की रचना हुई थी और सृष्टि की रचना होने से पहला जो गणना का दिन आरंभ किया गया, तिथिवार तय किए गए, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार ये सारा तय उस समय किया गया। आज सृष्टि के आरंभ को 1,95,58,85,123वां वर्ष होगा। उज्जैन कालगणना की नगरी है, इसलिए कालगणना उसी समय से शुरू हुई जब सृष्टि की रचना हुई, तो इसलिए उज्जैन की प्राचीनता भी इस बात से जुड़ी हुई है कि अरबों वर्ष पुराना इतिहास उज्जैन का है। महाकाल कालगणना के देवता हैं, उज्जैन कालगणना की नगरी है, तो ऐसी स्थिति में ये जो दिन चैत्र का है ये केवल उज्जैन के लिए महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जब सृष्टि की रचना हुई तो बाकी पर्व व्रत उत्सव शुरू हुए, तो सभी पर्व व्रत उत्सव का जनक कौन हुआ? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यदि आरंभ दिन है तो सारे विश्व में जो भी प्राणी मात्र का निर्धारण हुआ है वो सभी इसी दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से माने, तो अगर सारा विश्व नहीं तो कम से कम संपूर्ण भारत ने इस दिवस को महापर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि समस्त पर्व का जनक तो यही दिन है। तो ऐसी स्थिति में आज हमारी सरकार ने भी उज्जैन का जन्मदिन मान करके और इसकी प्राचीनता को देखते हुए इसको गौरव दिवस के रूप में स्थापित करने की बात की है और इसको उज्जैन का जन्मदिन भी माना है।